दोस्तों, अगर आप भी YouTube Shorts को बनाने को लेकर हमेशा परेशान रहते थे तो YouTube ने आपके YouTube Shorts बनाने की समस्या को हल कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। दोस्तों, YouTube ने YouTube Shorts में एक ऐसा अपडेट किया है जिससे कि आप शॉर्टकट तरीके से शॉर्ट वीडियो बनाकर उसको अपने चैनल पर अपलोड कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है देव साहनी और आपका स्वागत करते हैं टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। यार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी छोटी मोटी बड़ी बातें आती हैं उसको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम आप लोगों तक करता हूं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और हां, वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट टेक्नो गुरुदेव को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी तक यूट्यूब पर अगर हमें शॉर्ट्स बनाना होता था तो हमें अपने फ़ोन से वीडियो शूट करना होता था, फिर उसे एडिट करना होता था, फिर उसमें म्यूजिक लगाना होता था, इफेक्ट लगाना होता था, तब जाकर हम अपनी वीडियो को यूट्यूब पर शॉर्ट्स में अपलोड कर पाते थे। लेकिन दोस्तों, YouTube ने एक न्यू हैक दिया है YouTube Shorts क्रिएटर के लिए। अब आप जो है दोस्तों, YouTube Short को शॉर्टकट तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, एक ईमेल भेजा गया है सभी यूट्यूबर को, हो सकता है कि आपको ये ईमेल ना मिला हो लेकिन मिल जाएगा, तो ध्यान से देखिए क्या है ईमेल, स्क्रीन आपको दिखेगी। न्यू हैक टेक्नो गुरुदेव इजिली टर्न योर वीडियो इनटू शॉर्ट्स। मतलब दोस्तों, यूट्यूब का एक न्यू हैक है जिसमें कि आप अपनी पहले से अपलोडेड वीडियो को ही शॉर्ट्स में बदल कर अपलोड कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको वो देख लीजिए, इसमें डिटेल्स में आपको बता देता हूं। तो कुछ इस तरह से YouTube Shorts की तरफ से ईमेल आया होगा, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग Shorts। तो दोस्तों, Shorts को क्रिएट करने के लिए एक नया शॉर्टकट YouTube की तरफ से सभी YouTube क्रिएटर को दिया जा रहा है। आपको अगर नहीं मिला होगा तो अपडेट के बाद आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये ईमेल दोस्तों YouTube Shorts की तरफ से सभी को भेजा गया है, ठीक है। तो मुझे पहले आया तो मैं वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूं, आपको भी आएगा तो आप भी जो है इस फीचर का लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों, यहां पर आपको कुछ स्टेप बताए गए हैं जिसमें कि अब आप अपनी लॉन्ग वीडियो को भी तुरंत शॉर्टकट बनाकर, शॉर्टकट तरीके से शॉर्ट्स बनाकर अपलोड कर पाएंगे चैनल पर। अब यहां पर स्टेप भी बताया गया कि आपको क्या क्या करना है वो देख लीजिए, मैं आपको करके भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, स्टेप वन है ओपन द यूट्यूब ऐप, यूट्यूब ऐप ओपन करना है जो कि सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। वहां पर दोस्तों आपको स्टेप टू में चूज अ वीडियो फ्रॉम योर चैनल, आपके चैनल पर कोई वीडियो चूज कर लेना है। स्टेप थ्री है दोस्तों, क्लिक एडिट इनटू शॉर्ट्स टू शेयर 60 सेकंड से कम हाइलाइटेड वीडियो, ठीक है। तो आप तीन स्टेप में किसी भी लॉन्ग वीडियो को दोस्तों उसका शॉर्ट्स बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर पाएंगे। और यहां पर देख सकते हैं, आप अपनी वीडियो को कहीं से भी जो है उठाकर उसको आगे पीछे कर कट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, आपको वहां पर टूल्स मिलेगा। एंड दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं मीट 1.5 बिलियन मंथली व्यूअर्स ऑन शॉर्ट्स, और ऐसा करने पर आप जो है अपने शॉर्ट्स को 1.5 बिलियन जो मंथली व्यूअर्स हैं उनके सामने ले जाएंगे और आपकी चैनल की जो रीच है, चैनल का जो व्यूज है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप अपने किसी भी पुराने वीडियो को शॉर्ट्स में उसको कन्वर्ट कर अपलोड कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। और जब आप उसको अपलोड करेंगे तो जिस भी वीडियो से आप उस पार्ट को कट किए रहेंगे उस वीडियो का भी वहां पर ओरिजिनल लिंक रहेगी, वहां पर भी क्लिक करके कोई बंदा आपके पुरानी वीडियो पर जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको इस फीचर का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस नए फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब ऐप ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने चैनल पर चले जाना है। चैनल पर जाने के बाद दोस्तों, जिस भी वीडियो को आप शॉर्टकट तरीके से शॉर्ट बनाना चाहते हैं उसको आपको यहां पर ओपन करना है। जैसे कि मैं यहां पर एक वीडियो को क्लिक करके ओपन कर लेता हूं, ये वीडियो दोस्तों प्ले होने लगेगी, लेकिन आपको प्ले नहीं करना है। आपको यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, एडिट इनटू अ शॉर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, हो सकता है आपको ना दिखे, ये कुछ टाइम बाद अपडेट के बाद आपको देखने को मिलने लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन अवेलेबल ओनली टू यू, मतलब कि अभी तक ये ऑप्शन केवल मुझे अवेलेबल हुआ है, तो हो सकता है कि आपके फोन में या आपके यूट्यूब ऐप में अभी ना दिखे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, वेट करना है, क्योंकि टेक्नो गुरुदेव बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपको वेट करना है। तो चलिए एडिट इनटू अ शॉर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं वो वीडियो हमारी आ चुकी है बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में। अब आपको दोस्तों यहाँ पर 15 सेकंड का समय ऑलरेडी सिलेक्ट किया गया है स्टार्टिंग का, तो आप इसको जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं, वीडियो को इधर उधर कर बीच में भी कर सकते हैं, जो बंदा बोल रहा है उसको आप बीच में भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको 60 सेकंड का भी ऑप्शन मिलता है, अभी ये 15 सेकंड के लिए है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो है
15 सेकंड की पूरी वीडियो हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देंगे और इसको अगर बढ़ा देंगे तो ये 60 सेकंड के लिए पूरी वीडियो आपकी हो जाएगी। तो आप कम से कम 15 सेकंड या 60 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, 15 सेकंड के लिए है ये, अब जो है यहाँ पर आपको 16 सेकंड, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जितना भी पार्ट लेना है वीडियो से वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आगे पीछे भी आप यहाँ से करके पार्ट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ से नहीं, यहाँ का पार्ट लेना है, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर शॉर्ट बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 15 सेकंड सिलेक्ट है यहाँ पर मेरे वीडियो का पार्ट, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये प्रोसेसिंग होगा, ठीक है दोस्तों। प्रोसेसिंग होने के बाद जो कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, आपका शॉर्ट जो है आपके लॉन्ग वीडियो से कट हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट यहाँ पर अपने वीडियो के ऊपर लिख सकते हैं, जिस भी तरह का आप जो है फॉन्ट या स्टाइल यूज करना चाहते हैं वो टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। टाइमलाइन पर क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने अपने इस वीडियो के साथ क्या क्या टाइमलाइन यूज किया है, ठीक है। टेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो टेक्स्ट तो मैंने यूज किया नहीं। उसके बाद जो यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। फिल्टर भी लगा सकते हैं, फिल्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तरह तरह के आपको फिल्टर मिल जाते हैं। आप अपनी ओल्ड वीडियो पर जो पार्ट कट किए रहेंगे उस पर फिल्टर लगाकर अपनी वीडियो को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप फिल्टर लगाने के बाद डन कर देंगे और यहाँ से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर दोस्तों आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर इसको पब्लिश कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये फीचर अभी कुछ क्रिएटर को दिया जा रहा है और ये जल्द ही सभी को जो है दे दिया जाएगा। तो ये ईमेल मुझे मिला था तो मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया है। लाइक जरूर कीजिएगा यार, पहले बताने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर टाइटल और अपना पब्लिक जो भी करना है वो कर आप यहाँ पर अपलोड शॉर्ट कर देंगे, ये शॉर्ट जो है आपके चैनल पर अपलोड हो जाएगी। बस इतना ही आसान है ये नए फीचर का यूज करना, और आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और हाँ मेरी मेहनत का फल आप लोग दिल से दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो करके ही जाना है, क्योंकि आप लोग चैनल पर आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बेल बटन दबा लीजिएगा, ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।